हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे और सही सलामत भी होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यह जानकारी बताने की कोशिश करूंगा कि बैंक में अगर गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पहले आपको बता दूं कि यह जब हम ऑनलाइन या फिर मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तभी इस तरह की गलती होने के चांसेस होते हैं। जबकि हम बैंक में जाकर किसी के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या फिर किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, अकाउंट नंबर या फिर कोई भी माहिती गलत होने पर यह पेमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी आप बैंक में पैसे किसी के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं या फिर किसी को पेमेंट करते हैं तो उससे पहले आपको एक स्लिप या फॉर्म भरवाते हैं। अगर उसमें कोई माहिती गलत लिखी होगी तो आपको कैशियर तुरंत कहेगा कि यह आपने यहाँ पर भूल की है, यह गलत है, आप दूसरा फॉर्म या स्लिप भर के लाए। और चेक में भी ऐसा ही होता है, सामने वाले का गलत अकाउंट नंबर या फिर नाम लिखने पर यह चेक कैंसिल कर देगा, आपका पेमेंट सामने वाली व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा जिसे आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो गलत व्यक्ति के खाते में सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट या फिर मोबाइल बैंकिंग से ही हो सकता है, उसमें सामने वाली व्यक्ति का नाम अकाउंट नंबर चेक नहीं होता है। और गलती से भी आपने सामने वाली व्यक्ति का अकाउंट नंबर गलत लिख दिया तो दूसरे के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं और आपका पेमेंट किसी गलत व्यक्ति के खाते में चला जाता है। तो दोस्तों जब पैसे ट्रांसफर होने के बाद तुरंत आपको सामने वाली व्यक्ति को कॉल करके पूछ लेना है कि मैंने आपको इतने रुपए का ट्रांसफर किया है, आपके अकाउंट में आ गए होंगे, कृपया आप देखकर मुझे सूचित करिए कि पैसे आ गए हैं या नहीं। अगर पैसे उसके खाते में नहीं आए हैं तो तुरंत आपने ट्रांसफर किए हुए अकाउंट नंबर को चेक कर लीजिए तथा उस गलती को तुरंत ढूंढ निकाले और फिर अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर बैंक ऑफिसर या बैंक मैनेजर से बात करें और वह जो कुछ कहेगा उसका अनुसरण कीजिए। एक फॉर्म के साथ अर्जी लेटर भी लिखिए और आपको आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर हुए ईमेल को सामने वाली गलत व्यक्ति के बैंक में ईमेल करने को कहेगा। उसे आप अपने बैंक मैनेजर को पूछकर ईमेल दूसरी बैंक को सेंड कर सकते हैं और आपने भर के दिए हुए फॉर्म में, अर्जी लेटर में और ईमेल में जो कुछ माहिती या फरियाद लिखी होगी वह सही हो जाने पर आपके पैसे आपके अकाउंट में 3 दिनों के अंदर मिल जाएंगे। तो इस तरह से अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ऐसी भूल आपके साथ ना ही हो। अगर ऐसा भूल से हो जाता है तो आप इस तरह से बैंक में जाकर अपनी प्रॉब्लम का समाधान ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपके कुछ काम आएगी और आपके पैसे सलामत रहे। तो दोस्तों यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ जानने को पसंद है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि नई जानकारी के साथ नई वीडियो आने पर आपको तुरंत मिल सके। आपका धन्यवाद।